प्रीमियर प्रो सीसी में हम चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे जो है एडिशनल एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स। उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजिंग द सैंक सेटिंग फीचर इन प्रीमियर प्रो। एक हमारे पास चीज़ है प्रीमियर प्रो में कि हमारे पास वीडियो और ऑडियो को आपस में सैंक करना या सिंक्रोनाइज़िकली सिंक्रोनाइज़ करना वीडियो और साउंड को, ये है कि हमारे पास जो हमारी वीडियो और जो हमारे ऑडियो है वो दोनों आपस में प्रॉपरली एट द सेम टाइम वर्क करें। जिस तरह अगर कोई वीडियो के अंदर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसके जो वर्ड्स या जो उसके सेंटेंस हैं एज इट इज़ मैच करें ऑडियो के साथ। हमारी इस वीडियो के अंदर जिस जो हम वीडियो आगे आपको शो कर रहे हैं इसके अंदर शो हो रहा है कि किस तरह हमारे जो जो बंदा बोल रहा है उसकी वॉल्यूम, उसकी जो जो उसके सेंटेंस हैं वो वीडियो और ऑडियो मैच कर रहे हैं या नहीं। इसमें वीडियो में जो पर्सन है उसकी माउथ मूव कर रहा है लेकिन वो उसकी जो साउंड है वो क्लियर नहीं है या उसके बिहाइंड कोई और साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसके लिए हमारे पास ये एक जिस तरह हमारे पास ये है इसको हम मूव करते हैं या एक्सीडेंटली मूव हो जाती है हमारे से ये जो हमारे पास टाइम लाइन में है, तो इसको हम ऑप्शन की और ड्रैग करें या ऑल्ट और ड्रैग करें तो हमारे पास दोनों टाइम्स एक ऑडियो और वीडियो आपस में सैंक हो गई है। ये इसका बड़ा अच्छा फीचर है कि हम किसी भी ऑडियो या वीडियो को सिंपली क्लिक करके और राइट क्लिक करके मूव इनटू सैंक, जो कि हमारे पास सैंक करेगा वीडियो को ऑडियो के अकॉर्डिंग। इसी तरह हम ऑडियो को भी मूव कर सकते हैं, सैंक कर सकते हैं वीडियो के साथ। इसके लिए हमारे पास ये बेस्ट सिचुएशन है। अगर हमारे पास एक और क्लिप है जिसके अंदर हमने मूव टू सैंक ऑडियो के साथ अगर करते हैं तो वो हमारे पास क्लिप के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, लेकिन हम सबसे पहले इस तरह के एडिट के लिए जो हमारे पास दो हैं उन दोनों को हम सेपरेट करेंगे क्लिप को, ताकि हमारे पास इन एंड आउट पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे पास जहां पे भी हमने इसे हमने स्लिप किया सेंक किया और अब हमारे पास ये हमने किया। अब इसे हम चेक करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो। अमेजिंग। अब हमने वीडियो में देखा कि जिस तरह हमारी एज इट इज हमारे पास उसी तरह हमारी वीडियो और क्लिप जो है आ चुका है, ये और सिंक हो चुका है और वीडियो और ऑडियो दोनों हमारी आपस में प्रॉपरली सिंक हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भी ग्राफिक्स हैं वो आपस में मैच कर गए हैं। ये जिस तरह हमारे पास गैप्स हैं डिफरेंट, उनको भी हम अवॉइड करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे हम डिफॉल्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले आउट ऑफ सैंक को क्लिक चेकआउट करेंगे तो ओके करेंगे। अब वो ऑटोमेटिकली सारी वीडियोस को सैंक कर देगा। रेड बॉक्सेस जो है हमें ये बता रहा है इसके ये डिफरेंट वीडियोस है, इसके लिए हम स्लिप करते हैं सैंक को तो वो हमारे पास मूव कर देगा क्लिप्स को फॉरवर्ड। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम सैंक करते हैं ऑडियो को वीडियो के साथ।